नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 जनरल इंग्लिश लेसन 15 के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो में कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, हम इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे दोस्तों हम। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोयम। हु इज़ द स्पीकर इन द पोयम, यानी कविता में वक्ता कौन है। हु इज़ द स्पीकर इन द पोयम, यानी कविता में वक्ता कौन है। आंसर देखेंगे, ए बॉय इज़ द स्पीकर इन द पोयम्स। ए बॉय इज़ द स्पीकर इन द पोयम्स, यानी इस कविता का वक्ता एक लड़का है, यानी इस कविता का वक्ता कौन है। तो कौन है दोस्तों, ए बॉय। कौन है? ए बॉय, एक लड़का है। क्वेश्चन नंबर टू है दोस्तों, हु टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। हु टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय, यानी लड़के को रहस्य किसने बताया। लड़के को रहस्य किसने बताया। आंसर देखेंगे, द ट्री टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। द ट्री टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय, लड़के को रहस्य पेड़ ने बताया। किसने बताया था लड़के को रहस्य? पेड़ ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, इन सेकंड स्टेंजा द पोइट से एंड लीड द फोर लिटिल डेस ब्लैंक है समथिंग इन इट। व्हाट डज द पोइट मीन बाय फोर लिटिल, यानी कि दूसरे छंद में कवि कहता है और उसने चार छोटे दिए, कुछ उसमें कवि का छोटे से मतलब है। तो दोस्तों, हम देखेंगे आंसर इसका। आंसर में दे रखा है उसने, आंसर है द फोर लिटिल मीन्स द एग्स। द फोर लिटिल मीन्स द एग्स, यानी चार छोटे अंडों से मतलब है। किससे मतलब है उसका कवि का? चार छोटे अंडों से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री। हु टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री, यानी पेड़ को रहस्य किसने बताया। पेड़ को रहस्य किसने बताया। तो दोस्तों, आंसर देखेंगे, द बर्ड टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री। द बर्ड टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री, यानी पेड़ को रहस्य चिड़िया ने बताया। किसने बताया था दोस्तों पेड़ को रहस्य? तो एक छोटी चिड़िया ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, When will the secret be out? When will the secret be out? रहस्य कब खुलेगा? रहस्य कब ओपन होगा या खुलेगा या बाहर आएगा? आंसर देखेंगे, When the little bird fly out of the nest, the secret will be out. यानी जब छोटी चिड़िया उड़ जाएगी तब रहस्य खुल जाएगा। जब छोटी चिड़िया उड़ जाएगी तब रहस्य खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, व्हाट इज द सीक्रेट, रहस्य क्या है। व्हाट इज द सीक्रेट, यानी रहस्य क्या है। आंसर, द सीक्रेट इज डेट द बर्ड्स हैज बिल्ट ए नेस्ट इन द ट्री एंड हैज लेड लेड फॉर लिटिल एग्स इन इट। द सीक्रेट इज डेट द बर्ड हैज बिल्ट ए नेस्ट इन द ट्री एंड हैज लेड फोर लिटिल एग्स इन इट। ऐसे यह है कि चिड़िया ने पेड़ में एक घोंसला बनाया और उसमें चार छोटे छोटे अंडे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, द पोइट से जस्ट वी थ्री, द फर्स्ट वन इज ए बर्ड, द सेकंड वन इज द पोइट हिमसेल्फ, हु इज द थर्ड वन। यानी कि दोस्तों, कवि कहता है कि बस हम तीन, पहला एक चिड़िया है,
दूसरा कवि खुद है और यह तीसरा कौन है। तो दोस्तों तीसरा कौन है, तो आंसर देखेंगे, द आंसर है द थर्ड वन इज द चेरी ट्री। द थर्ड वन इज द चेरी ट्री यानी तीसरा चेरी का पेड़ है। तीसरा कौन है, तीसरा चेरी का पेड़ है। दोस्तों हम इस क्वेश्चन इस लेसन के मीनिंग भी देखेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट मीनिंग देखेंगे हम, सीक्रेट SECRET सीक्रेट यानी रहस्य। रॉबिन ROBIN रॉबिन यानी एक प्रकार की छोटी चिड़िया। चेरी या बेरी, चेरी CHERRY चेरी यानी एक प्रकार का फल। नोबॉडी NOBODY नोबॉडी यानी कोई नहीं। बिल्ट BUILT बिल्ट यानी बनाना, बिल्ट यानी बनाना। ले LAY या LAID ले यानी रखना। अफ्रेड AFRAID अफ्रेड यानी डरना। कीप KEEP कीप यानी रखना, कीप यानी रखना। RUSSET रस्ट यानी गेरुआ। वेरी वेरी WEARY वेरी यानी थके हुए, वेरी यानी थके हुए।